नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश तिवारी, आप देख रहे हैं विश्व रक्षक हिंदुस्तान। अभी हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हनुमंत राव जी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। नमस्कार जी, हमें ये बताइए लोकसभा चुनाव जो है आ गए हैं, तो कांग्रेस कितनी मजबूत है, कितनी सीटें जीत सकती है? देखिए, मेजॉरिटी सीट जीतने की काफ़ी कोशिश करेंगे। क्यों बोले तो हमको लास्ट इलेक्शन असेंबली में सोनिया गांधी के ऊपर बिलीव करके जैसा तेलंगाना दे तू बोली 1200 लोग मरे दी, और इस वक्त 6 डिक्लेरेशन करी, वो अमल करते बोल के हमको वोट डाले, तो हम बराबर वो अमल करेंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे। आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन सबसे ज़्यादा 17 सीट है, 17 में मिनिमम हम 15-16 सीट जीतने की हम कोशिश करेंगे, ये है हमारा। BRS बोल रही है कि कांग्रेस जो है पूरी गारंटियां अमल में नहीं ला रही है जो वादे किए थे कांग्रेस ने। देखिए भाई, वो कुछ भी बोलने दो, 10 साल धोखा दिए लोगों को CM बोले, और दूसरी बात क्या बोले, 3 एकड़ ज़मीन देंगे बोले, वो नहीं करे, हर घर को नौकरी दे तू बोले नहीं दिए, 2 बेडरूम भी ओनली 20% ही अमल हुआ, बाकी का 80% अमल, वो धोखा दिए, हम धोखा देने वाले ने बराबर हम अमल करेंगे, घर घर फिरेंगे। जो अभी एक नया काम भी हुआ, राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर से चलने के बाद गरीबों का मसले सुने, किसानों का मसले सुने, अनएम्प्लॉयड का मसला सुने, गरीबों के हित के बात करते हुए एक बड़ी बात करा, वी कम टू द पावर वी विल कंडक्ट कैस्ट वाइज सेंसस। नरेंद्र मोदी 10 साल था, मैं 3 मरतबा मिला MPO के साथ, 40, 1 मरतबा 60, 1 मरतबा 80 MPO से मिले। हम बोले कैस्ट वाइज सेंसस क्यों नहीं करेंगे, 1831 में हुआ, अभी तक क्यों नहीं करते बोले, तो उसका कोई जवाब नहीं दिए। हमारा मेजॉरिटी के लिहाज से मोर देन 54% पॉपुलेशन के एक नई एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाना, उसका एक बजट देना, वो भी नहीं करे, और ऊपर से क्रिमिनल भी लगाए ऊपर। हमारा सबसे बड़ी बात राहुल गांधी बोला वी कम टू दी, वो भी एक हमारा मुद्दा है 6 डिक्लेरेशन के साथ हम करें। सोनिया गांधी जब चेयरमैन थी उसमें सोनिया गांधी UPA चेयरमैन के नाते एक अच्छा काम करी, जब सुप्रीम कोर्ट बोले IIT IIM में और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कोई जॉब ही नहीं है, BCO को रिजर्वेशन नहीं है बोले, तो फिर हम गए जाके सोनिया जी बोले हमारे बच्चे रूरल एरिया से आते, लोकल लैंग्वेज में मलयालम कन्नड़ा तेलुगु ओरिया से बात करते, तो हमारे बच्चों को कब चांस मिलेगा। टैलेंट इज नॉट एनीबडीज प्रॉपर्टी, टैलेंट हैज गिवन टू गॉड एवरीवन, वो बात पे सोनिया गांधी मनमोहन सिंह बोले, पार्लियामेंट में बिल लगाया, बिल पास हुआ, आज हजारों लाखों बच्चे हमारे IIT में नौकरियां कर रहे और डॉक्टर्स बन रहे, ये अचीवमेंट है कांग्रेस का। दूसरा अचीवमेंट, राहुल गांधी को रिक्वेस्ट करें सर, ये सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में 3 है, SC ST OBC, हमारे को न्याय नहीं मिल रहा, हमारे सेपरेट करो, मीरा कुमारी को बोल के वो भी सेपरेट करने की वजह से OBC पार्लियामेंट कमेटी बनी, आज हर एक आदमी OBC की बात कर रहे, कल तक नरेंद्र मोदी OBC की बात करा नहीं करा, हमारे KCR भी OBC की कभी बात ही नहीं करा, आज बोल रहे महात्मा ज्योतिरिपाल स्टैचू लगाना, इससे पता लग रहा है कि बल्क वोट है OBC का, वो वोट के खातिर पार्लियामेंट इलेक्शन के हर एक आदमी OBC की बात कर रहे, हम ईमानदारी से OBC के फेवर में कहे, OBC काम करके बताई, UPA चेयरपर्सन के नाते मनमोहन सिंह के सरकार में इन लोग कुछ नहीं करे, 10 साल में कुछ नहीं करे, यही मुद्दा 6 डिक्लेरेशन OBC का मुद्दा हम गांव-गांव जाके बोलेंगे। लेकिन अब इस इलेक्शन में कहा जा रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा बड़ा होगा, तो इसको लेके आप क्या कहते हैं? हाँ, यही बात है, सही क्वेश्चन पूछे, उन लोगों का एक ही सोच है, सेंटिमेंट वोट, राम को ला लिए, कल थोड़े दिन के बाद शिवा को लाते, थोड़े दिन किशन भैया को लाएंगे, ये इनका यही काम है, भगवान को भी इलेक्शन में ला के अपना वोट की राजनीति कर रहे हैं, हम भगवान मानते हैं,
मेरा नाम ही हनुमान है, मेरे से भक्त कौन रहता, राम का मैं भक्त हूँ। मगर इन लोगों का सेंटिमेंट वोट के वास्ते अयोध्या इश्यू को सामने लाके उसको एक एडवांटेज लेना चाह रहे। ये भगवानों के नाम पर वोट लेते, हम डेवलपमेंट के नाम पर वोट लेते, और हमारा पार्टी सेकुलर है। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, तो इसी वजह से देश आज़ादी में सबकी योगदान था। ये कई बोल रहे कि उनको उस वक्त आज़ादी टाइम पे ना बीजेपी नहीं था, आरएसएस नहीं था, नया दुकान लगा दिए, तो इसी वजह से इसके ऊपर आज फंडामेंटल एंड सेकुलर का फोर्स लड़ेगी। ये इलेक्शन में हम बराबर जीतेंगे। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे, उसमें भी मंदिर को मंदिर में भी जाने नहीं दे रहे, जहाँ मीटिंग लगाए तो वहाँ हंगामा कर रहे। तो इनका डेमोक्रेसी के ऊपर उनका डिक्टेटरशिप करना चाह रहे। ये आने वाले इलेक्शन में अवाम उनको बराबर शिकस्त देंगे। पब्लिक पे कोई असर होगा राम मंदिर के मुद्दे का? बीजेपी क्रेडिट ले रही है कि हमने राम मंदिर बनाया है, इतने सालों से जो राम मंदिर नहीं बना था हमने बनाया बोल के क्रेडिट ले रही है बीजेपी। अरे भैया, राम जन्मभूमि तूने कोर्ट आर्डर से तुम बनाए, कोर्ट ही दिए ऑर्डर, तुम बनाने का नहीं। हम भी सब भगवान सबको आना चाहिए, खाली अयोध्या में नहीं है, यहाँ भद्राचलम में भी राम है। हम भद्राचलम में राम को जाते, अरे कोई साईं बाबा कहने जाता, कोई किशन जी कहने जाता, केवल राम का गुत्तेदारी उन लोग कर रहे। हम गुत्तेदारी नहीं करते, प्रेम करते, प्यार करते, दिल में उनके पास इज्जत है। हम भगवान भगवान है, पॉलिटिक्स अलग है, वो पॉलिटिक्स को सेंटिमेंट को मिला के आने वाले इलेक्शन में वोट लेना चाह रहे। धन्यवाद जी। तो ये थे हनुमंत राव जी, जो अपने विचार रख रहे थे लोकसभा इलेक्शंस को लेकर। सूर्य प्रकाश तिवारी, विश्व रक्षक, हैदराबाद।